ये जगह कौन सी है, मैं कहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आदमियों का आना क्यों अलाउड नहीं है, केवल औरतें ही क्यों आ सकती हैं? नमस्कार, राम राम, क्या हाल है जी, क्या हाल चना, वेलकम है जी आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फ्लाइंग मनी में। आज मैं लिए जा रहा हूँ आपको एक ऐसी जगह जहाँ पे केवल औरतें अलाउड हैं, ये लड़कियाँ अलाउड हैं लेकिन आदमी लोगों का जाना वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो वो कौन सी जगह है और वहाँ मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरे को क्यों अलाउ किया गया है, ये मैं आपको वहाँ जाके ही दिखाऊँगा। तो चलते हैं पहले, फिर वहाँ पे जाके बात करते हैं, लेट्स गो। तो जी मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ, अब गंतव्य स्थान पर पहुँच के आपके साथ बात करता हूँ। मस्त धूप हो रही है आज, बहुत बढ़िया, और देख सकते हो जैकेट पहनी हुई है मेरी, बिल्कुल फर वाली जैकेट। टेम्परेचर आज हो चुका है बिल्कुल गिर के 6 डिग्री हो रहा है आज बाहर, टेम्परेचर 6 डिग्री, ठंड भी है लेकिन हवा नहीं चल रही, बहुत बड़ी बात है, हवा चलती है तो और ठंड लगती है, अभी धूप है तो ठीक है। टैक्सी के अंदर बैठ के और गर्मी लग रही है, अच्छा लग रहा है महसूस, क्योंकि कांच से छनके जब धूप आती है ना वो शरीर पर पड़ती है, उसका मज़ा ही अलग है, बाहर वो फिर भी ठंडा है। तो जी मैं उतर चुका हूँ टैक्सी से और जिस जगह मैं आपको ले आया हूँ वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। ये देखिए आप फ्रंट व्यू, तो ये पीछे से आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इस साइड में कुछ खेती भी कर रहे हैं कुछ लोग। उस साइड में सीधे आगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है ये रहा, ये भी काफ़ी इसका बड़ा स्पेस है और यहाँ पे कुछ खेती होती है जिसको कि आज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। इस साइड में आया शूट करने तो तब मैं पहली बार ही अभी देख रहा हूँ, इस साइड में वैसे आया नहीं कभी यहाँ, तो बढ़िया है। यहाँ पे सब्जी हो रही है और खेती हो रही है, यहाँ पे प्याज की खेती, सब्जी, राई वगैरह लगी हुई है, बढ़िया है। ये तो कद्दू लग रहा है, ये कद्दू के पत्ते लग रहे हैं तो काफ़ी अच्छा। चलिए पहले अंदर निकलते हैं यहाँ से और तब दिखाते हैं कि जगह कौन सी है, मैं कहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आदमियों का आना क्यों अलाउड नहीं है, क्यों औरतें क्यों। ये देखिए तो बाहर से घुमा के हम अंदर ला गया आपको, और ये रहा इसका स्पेस, यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं पार्किंग। वैसे आप समझ ही गए होंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे, चलिए जिन्होंने नहीं समझा अभी मैं ये सस्पेंस ख़त्म करता हूँ। ये है वुमेन किड्स एक्टिविटी सेंटर, यहाँ पे गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कर रखा है एक्टिविटी के लिए, लोगों की प्रतिभा को उभारने के लिए इन्होंने एक जगह यहाँ पे बनाई हुई है, और यहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, अतः यहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती हैं, जैसे योगा हो गया या पेंटिंग हो गया, तो ये बाहर से टीचरों को इनवाइट करते हैं। योगा के लिए पहल अभी हमारे सेंटर वालों ने की कि बोले यार योगा को थोड़ा प्रमोट किया जाए, और बढ़िया है, लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं। मेरे यहाँ पे मेडिटेशन क्लास है आज, और जो आसना क्लास है वो दूसरे दिन होती है, दो क्लासें मेरे यहाँ पे अरेंज की हुई है। ये देखो काफ़ी बड़ा स्पेस है, बच्चों के लिए भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है और जो उनकी माएँ हैं उनके लिए अलग से योगा पेंटिंग। हाय यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो बड़ा ही उनका बड़ा ही चीप प्राइस है, जो कि इंडिया में भी नहीं हो सकता है, मैंने ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ,
लोगों को उत्साहित करने के लिए, और बहुत ही बढ़िया ये पहल है। ये तो भारत में भी कई जगह शायद होगी, मुझे नहीं पता, अगर आपके आसपास है तो बताइएगा जरूर। मैं चके चके मेघान जी हाय हियर लाइल मैन। तो जी ये देखिए, ये मेरा क्लासरूम है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम्स हैं जहाँ पे वायलिन, गिटार, पेंटिंग, और ये मेरा ये योगा के लिए ये क्लासरूम यहाँ पे निर्धारित किया हुआ है। तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि मैं टाइम से पहले आ गया। मैंने सोचा अभी थोड़ा आपके लिए कुछ वीडियो शूट किया जाए, तो मैं टाइम से पहले आके वीडियो शूट करके फिर तब लोग बाग जैसे जैसे आना शुरू होंगे, उसके बाद क्लास फिर शुरू की जाएगी। ये देखिए मेरी मैट बिछ चुकी है। बाकी देखिए स्टूडेंट अभी धीरे धीरे उनका आना जाना वैसे हो गया है। ये बड़ा ही अच्छा इनका साफ़ सफाई का ध्यान यहाँ पे रखा गया है, और बहुत सारी इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी रूम है। सामने जाके वॉशरूम है, तो वहाँ तो क्या ही ले चलना आपको। लेकिन ये रूम देखिए, रूम मैं आपका भी दिखाऊंगा किस तरीके से अलग अलग रूम यहाँ पे हैं। कुछ रूम्स में आपकी चेयरें भी हैं, योगा के लिए तो चेयर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, मैट की ज़रूरत होती है, तो एक मैट ही काफ़ी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोग आपका यूकेलेली होता है, यूकेलेली सीख रहे हैं, मैंने गिटार आप समझिए, गिटार का छोटा भाई और इधर से ये लेडी अभी मेरे ख्याल फ़िलहाल वॉशरूम जाती हुई। तो ये है इनका सेटअप, बड़ा ही अच्छा साफ़ सफाई का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, चाहे वो कोरोना हो या कोरोना से पहले भी इस तरीके से ही यहाँ पे सेम आपका मेंटेन साफ़ सफाई का बहुत ध्यान यहाँ पे रखा गया है। देखिए बड़ा ही अच्छा इनका डेकोरेशन कर रखा है, अंदर कमरों के इंटीरियर भी बढ़िया हैं। यहाँ पे कुछ और क्लासेस चलती होंगी पेंटिंग वगैरह की, तो उस तरीके से यहाँ पे इनका आपका अंदर रूम सेटअप किया हुआ है। ये देखिए कुछ आपके हमारे स्टूडेंट्स तो आ चुके हैं, कुछ अभी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि अभी टाइम है मेरी क्लास में। महादेव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो। मेरी क्लास हो चुकी है, यहाँ से दूर है रूम, और मेरे एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि मैं आप मेरा भी वो उसी रास्ते जा रही है ना, तो उसने कहा छोड़ते हुए मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी। तो मैंने कहा बहुत धन्यवाद, और अब उनकी गाड़ी में ही। The Indian time and Chinese time is not the same. The Chinese timing is 2.5 hours. 2.5小时. Quite. 中国快. Oh, 晚一点. 对，2.5小时晚。那怎么说中国是东方最早照到太阳 ？I should learn English. It's so cool. It's okay. Thank you so much. ओ जी, तो मैं भी अभी अपने विद्यार्थी की कार से उतर के, वो तो चली गई, सेम रूट था उसका, वो अपने घर गई, और मैं यहाँ पे उतर गया अपने रूम के आसपास। तो अभी रूम पे जाके करते हैं कुछ खाने पीने की तैयारी करता हूँ मैं, और उसके बाद थोड़ा मेरी 2:30 बजे क्लास है, 2:30 बजे एक और क्लास है, इस टाइम पर यहाँ होती है कुछ क्लासें 2:30 बजे। वैसे मैं लेता नहीं हूँ इतने दिन में क्लास, लेकिन वही है, इनका कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, कोई टीचर नहीं है इनके पास कोई और वो क्लास लेने के लिए। तो 2:30 बजे मैं अपना खाना जल्दी खा लूँगा, 2-3 घंटे में खाना पच जाएगा, उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे अपनी 2:30 बजे वाली क्लास के लिए। तो आज दिन में थोड़ा रेस्ट नहीं है, दिन में थोड़ा बिजी हूँ मैं आज। और बताइएगा कि यहाँ पे आपको एक ब्लॉग कैसा लगा, इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, भैया ये जो चीज़ें यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किया है हर सिटी में लगभग, कि भाई इनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ की महिलाओं को, कि ताकि वो कुछ ना कुछ उनकी कलाकारी बाहर आती रहे, सीखते रहें, तो इस तरीके के वो सेंटर बनाए गए हैं, और बहुत ही कम उसकी फ़ीस है, बहुत कम फीस है,
योगा की मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 10 क्लास ली है इन्होंने, हर बंदे ने 10 क्लास ली है, और 10 क्लास का केवल 100 RMB, 1000 रुपये। हमको तो हमारी सैलरी हमारी कंपनी देगी, उन्होंने भेजा हुआ है यहाँ पे, जितनी है हमको तो उतनी सैलरी मिलेगी, वो कटेगी नहीं पूरी जितनी है, लेकिन चाहे वो यहाँ से कम कमाएं, लेकिन उनका ऐसा है कि प्रमोट करना है योगा को, तो हमको भले ही ज़्यादा दें, लेकिन यहाँ से वो भले ही उनका कमाए, लेकिन वो प्रमोट करेंगे ऐसा है। लेकिन यहाँ पे जो फीस मैंने आपको बताई अभी 100 RMB, मैंने 1000 रुपये, 10 क्लास का बहुत सस्ता है, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल कहीं नहीं होगा 1000 रुपये में 10 योगा क्लास है, बहुत कम, या इंडिया में बस आश्रमों में हो सकता है ऐसा, जहाँ पे फ्री होता है, फ्री सेशन चलती है योगा क्लासे, तो वहाँ पे ये हो सकता है। तो चलिए आपका आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा आज का मौसम हो रखा है, 6 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन धूप आ रखी है, हवा नहीं चल रही, तो बहुत अच्छा हो रखा है, शाम को ठंडा हो जाएगा फिर, बड़े अच्छे बादल देखिए मेरे पीछे, व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, ज़बरदस्त। अभी इस व्लॉग के बाद मैं 2-4 फोटोज़ भी लेता हूँ, और जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, उसमें मैं काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह मैं शेयर करता रहूँगा आगे आने वाले सेशन में, और वहाँ से अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आप कलेक्ट कर सकते हो, या उनका इंजॉय कर सकते हो अच्छी अच्छी सीनरीज का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नमस्ते। बल एक्स्ट्रा डोज। हाँ, तो अगले ब्लॉग में जो कि मंगलवार को आएगा यानी कि ट्यूसडे को, उसमें हम देखेंगे कि कैसे एक ओलंपिक चैंपियन तैयार हो रहा है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।